अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्षाम्यन सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत्यात्वमोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम करतुम अव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। न च मत स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यथा काश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानि तुपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। प्रकृतिं सामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है,
जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सजित और विनष्ट होता रहता है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत सह राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं शिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सततम् कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढ़ता नमस्यन्तश्च माम् भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्तेन पृथक्तेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अहम् क्रतुरहम् यज्ञः स्वधाहम् अहम् औषधम् मंत्रो अहम् अहम् निवाज्यम् अहम् अग्निर् अहम् हुतम्। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि दिव्य ध्वनि मंत्र, घी अग्नि तथा आहुति हूँ। पिता हमस्त जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ये शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तपाम्यहम् अहम् वर्षम् निक्रणामि उत्सजामि च अमृतम् चैव मृत्युश्च सद् सच्चाहम् अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत तो हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ ही में हैं। त्रैविद्यमां सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की
गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीण पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मं अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते शस्थयान्विता तेति मामेव कौन्तेय यजन्त्य अभिति पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अहम् हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम विजानन्ति तत्ते नातश्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूते च यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यत् करोषि यदश्नासि यच्चुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है
और मैं भी उसका मित्र हूँ। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। माम हि पार्थ व्यपाशित्य येपि स्युः पापयोनयः त्रियो वैश्यात् तथा शूद्रा तेति यान्ति पराम गतिम्। हे पार्थ जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसे युक्तैवं आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ मेरे भक्त बनो मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे।